गुड मॉर्निंग गाइस, की हाल चाल ने तुहाडे? देख लो सवेरे सवेरे उठ के ब्लॉगिंग शुरू करती हैं, रजाई च निकलने का मन नहीं कर रहा। मेरा फ्रेंड अजी सुत्ता पिया, 7 बजे हजे तक। वैसे थोड़ी देर तक तैयार होकर निकलेंगे कुफरी के लिए, तुहानू पता अच कुफरी का ब्लॉग आऊगा। तो हम अजे मन तो नहीं कर रहा उठने का, ठंड बहुत ही ज़्यादा हैगी है, की करिए? पर उठना तो पवेगा ही, इन्हें इन्नी देर तक मैं धक्के मार रहा उठ नहीं रहा। श्रेयाश जैन बाबू उठ जाओ, इन्ना टाइम लगा रहा पता नहीं, देखते हैं। बाहर मोल ठंड हैगी है, धुप निकल जाए तो ज़्यादा वधिया वा, क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा गंदी है। इतनी रात की भी बहुत ज़्यादा गंदी ठंड है, पानी भी इन्ना ज़्यादा ठंडा है, पीता नहीं जा रहा सी, की कहते फ्रिज च निकल लग रहा। गला भी थोड़ा जहा हैवी हो गया, तो रात सॉफ्टी भी खाधी वो करके भी हो सकता, बट फिर भी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा सी, तो करके थोड़ी वो भी प्रॉब्लम आ रही सी। तो हम बस तैयार श्यार होंगे, फिर तुम मिलते हैं जी। गाइस अभी तैयार तो नहीं होगा, पानी पुनी लेने आया था मैं ऊपर, मेरे को एक चीज़ दिखाई दी, वाइब व्यू इतना औसम आ रहा है। मैंने रेस्टोरेंट मैं भागता भागता आ गया, तभी मेरी सांस फूल गई। मैं रेस्टोरेंट में आया था, कल भी शायद दिखाया था आपको, बट व्यू नहीं दिखाया। अभी व्यू चेक करो, ओ भाई ओसम व्यू है, ओसम जैसे बोलते हैं ना। ये तो रेस्टोरेंट है ना, ठीक है, नीचे व्यू। एक तो सांस बड़ी फूल के भाग के गया व्यू दिखाने के लिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, चेक करो साइड से। ये देखो कितना ओसम आ रहा है ना यार, हो डेली ऐसा मिल जाए तो नज़ारे कुछ और है। अस चलते हैं थले, पानी पुनी भैया गर्म कर रहे, ते पानी भैया गर्म हो गया, गर्म कर रहे ने, उस तो पानी लैके पानी पीवांगे। पानी इन्ना ज़्यादा ठंडा लगा, मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया कि पीता नहीं जा रहा, हुण तां ही पानी गर्म करवाने लई लिया। हाँ जी हाँ जी, पीने लायक हो जाए। मेरा पानी डाल लें गर्म करके, करो दो मिनट इसके। असी बाहर आ चुके ने गाइस, व्यू देखो, मैं कह रहा हूं गगन चुंबी पहले भी दिखाया मैं उधर से रेस्टोरेंट से, ताई तो मैं आया फिर दिखा दे, होए होए मैं कैमरा ऑन कर ले आ दे। दिखना नहीं एदा यार, क्योंकि अपनी शक्ल ही दिखनी है। अपने बर्फ पड़ी हुई है, वो देखो इस वहां बर्फ पड़ी हुई है। हां जी जी, आ देख लो मैं तैयार हो गया पूरा, तो हूँ आप निकलेंगे कुफरी लिए, अगे जाऊँगे नारकंड वगैरह घूमेंगे, पूरा मज़े करेंगे एकदम। हजे तो पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, बहुत ही ज़्यादा भुख लगी क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो चुके, मैंने लगता 11 बज चुके हैं, तो वो तैयार हो रहा अजे। तो बस हूँ आप निकलते हैं फटाफट इतों, चैकआउट करते हैं रूम अपना, तो चलते लो जी हूँ आप करन लगे हैं चैकआउट। चैकआउट हो रहा है, इसके बाद अब हम जा रहे हैं कुफरी, वहाँ पर जाते ही आप लोगों के लिए एडवेंचर शुरू, पूरा एंड। चलो चलते हैं, लाइट ऑन, लॉक द डोर, समान सारा समान ले रहे हैं ना सब कुछ। हाँ देखो कैमरा अपना, मैं लेंस छोटा ला लिया इस करके मैं ये ना ब्लॉगिंग करूँगा फोन तो ही, क्योंकि आप फोटो वगैरह शूट वगैरह कराना अच्छे पूरा अच्छा। बताओ कैसा लग रहा है? ओह मेरा भी दिखाई, मेरा भी दिखाई। ये देखो गाइस, आज हमारे दीपक जी का ड्रेस है। अरे दो मिनट रुकिए, मेरा ना फोन बटन भाई चेक आउट कर दो। हां देखो बोलो, सो सही लग रहा है, सही एंड एंड है। ए दूसरी तरह होती है, दूसरी तरह ऐसा लगा। हां देखो सही लग रहा है पूरा, कैंड सिरा दोनों ही कैंड लग रहे हैं।
ड्राइवर कॉल करती हुई है तो वो हूँ गड्डी स्टार्ट शुरू करके रखूँगा। आप बस निकल रहे हैं इतों, बाजार अजे खुलिया नहीं है, थोड़ी देर तक खोल ही जाऊंगा। लो जी आप मार रोड आ गए, आ गए हुए इतने, थोड़ा बहुत फोटो शूट करावे उस तो बाद फिर निकलेंगे कुफरी लिए। लेट तो हूँ हो ही चुके हैं, देखते हैं पहले थोड़ा जा फोटो शूट हो जाए अपना। इधर तैयारी हो रही है 26 जनवरी की, कल भी तुम्हें मैं दसिया सी जी। अपना फोटोशूट वगैरह डन हो चुका, श्रेया जा रहे अगे तो मैं थोड़ी बहुत मैं ब्लॉगिंग वगैरह भी कर लिए नाल बस हूँ कुफरी जा ही रहे कि बारे कुफरी जा रहे अभी तो ब्रेकफास्ट ही नहीं किया करिए तुम्हें पता ही है टाइम लग ही जाता इन्ना घूमना फिरना तो थोड़ा बहुत तो कदों के चले हुए ने अजे तक थले नहीं पहुँचे ड्राइवर साढ़ा वेट कर रहा बट अजे तक व्यू ओसम फोटो ओसम एक दो फोटो पाऊँगा चेक करो कि कितना दी फोटो आई एंड आई एंड मैं कहना व्यू चेक करो जरा धुप नीला आसमान धुप देखो कि सोहनी निकली हुई अज संडे शायद इतने स्नो पेगी अज तो है नहीं कि अगे देखते हैं अगे जाके स्नो वगैरह मिल जाए आप सोच रहे कि सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर स्नो वगैरह मिल जाए हमें अगे जाके देखते हैं जिदा का भी रहूगा अपना चेक करो बहुत ही ज़्यादा ओसम पिछे है नीला आसमान अगे तो हजे धुप निकली जो उधर मुड़ा फिर तुम मैं दिखाऊँगा रश थोड़ा बहुत है इन्ना नहीं है बर्फ तो हजे मिली नहीं अपना हम कुफरी वगैरह उधर साइड जा रहे देखते हैं उसे स्नो मिल जाए अगर स्नो मिल गई फिर तो सोना तो सुहागा हो जाएगा देखते हैं अगे वीडियो वगैरह चेक करो व्यू इन्ना ओसम आ रहा ना। तो जी आप पार्किंग से पहुँच चुके भैया आ चुके ने सामने वाला व्यू देख लो और श्रेयांश मजा आ रहा फिर पूरा मजा नहीं मजा भी मजा क्या से मजा दस बेचना गड्डिया रोकया करो
रुके सी श्रेयांश आ जा इतने ग्रीन वैली हैगी देखा पिछे थोड़ी बहुत फोटो वगैरह करावे आ जा हाँ बड़ी सोहनी है ग्रीन ग्रीन वैली आ जाओ आ जाओ ग्रीन वैली चैक करो व्यू मैं थोड़े वो शॉट लूंगा चैक कर लियो मैं पा देंदा शॉट च पर लै लीए एडवेंचर रिसोर्ट वही देखना पैना ना सन की कहें पहले आप खर्चा वगैरह देखा वैसे तो पार्किंग वगैरह सू फ्री दोगे अगर बाई चांस आप पहले बाहर का व्यू तो चेक करा दे व्यू नहीं देखना आप यार पिछे व्यू बहुत ही ज्यादा ऑसम आ रहा इतना ज्यादा ऑसम पिछे देखो पता नहीं मैंने देख रहा थानू कि नहीं देख रहा बट आप तो थोड़ा बहुत एडवेंचर करांगे खप खुप पावांगे भाई साहब सामने श्रेयांश असी आ चुके ना कुफरी तो इतने देख रहे कोई एडवेंचर वाला मिल जाए तो घोड़े घोड़े वाला लभ रहे ने तो उधर श्रेयांश गल कर रहे तो आप जावे घोड़िया बह के अगे साइड सीन वगैरह दिखाऊंगे जो भी आप देखते हैं कि पैकेज वगैरह सानू वधिया मिल जाए व्यू ओसम मज़ा पूरा आ रहा तो पोल्यूशन 0% मैंने लग रहा क्योंकि इन्नी ज़्यादा सोहनी सोहनी फोटो आ रही है ना ओसम है ओसम मैं कहता ना फुल एडवेंचर श्रेयांश फिर चलिए एडवेंचर पहले 1000 रुपया मांग रहे हैं फिर 1000 दूंगा चल करते हैं पैसे पैसे मेरे बच्चे लगे पैसे मेरे बच्चे लगे लो जी
ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਡੁਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ ਸ਼ਰਿਆਂ ਛੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਹਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਵੇਖਦਾ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਲੋਹੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਬੱਟੇ ਬੁੱਟੇ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਿੰਦੀ 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 ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਊ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਪੂਰੀ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਆ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਰ ਬੈਠੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰਫੇਸ ਸਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਗਨ ਇਹ ਗਨ ਹੈ ਯਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਉਹ ਰੈਪਿਡ ਕਿਉਂ ਰੈਪਿਡ ਸੇ ਦਿਖਾ ਭਾਈ ਓ ਵਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੀਪਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੈਠ ਤਾਂ ਗਏ ਸੀ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਨਾਲ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਊਂਗਾ ਸ਼ਰਿਆਂ 'ਚ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਔਡਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਬੜੀ ਬੇਕਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਰੱਖੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਵੀਹ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਹ ਸੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੁਫਰੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆਈ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਚੁਲੀ ਮਾਈਕ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਲਗਾਉਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰਿਆਂਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਔਡਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਐਟਲੀਸਟ ਤੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਭਾਈਓ ਔਰ ਬਹਿਨੋ ਬਹਿਨੇ ਮਤਲਬ ਕਮ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮ ਲੋਕ ਅਭੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਧੂਪ ਯਹਾਂ ਆ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਕੋ ਬਰਫ਼ ਕੇ ਪਹਾੜ ਅਗਰ ਦਿਖਾ ਸਕਤੇ ਹਮ ਬਸ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦਿਖਾ ਸਕਤੇ ਹਮ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੈਲੋ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰਿਆਂਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ
ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਬਥੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 0% ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੂ ਆਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਆਸਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਗਾਈਜ਼। ਮੈਗੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਕਾਰ।